इधर है ठीक है। पैकेजेस मॉल है ना, उसका जो एग्जिट गेट है उसके बाहर हम लोग खड़े हैं, पैकेजेस मॉल के एग्जिट के बाहर, ठीक है, एग्जिट के बाहर ऑपोजिट साइड पे, जल्दी आ। ओके ये पबजी का प्लेयर कहाँ से आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सब लोग? आज मैं आया हूँ डिफेंस स्वीट अफेयर्स, यहाँ का आज फूड रिव्यू हम लोग करने लगे हैं। अंदर जाके चेक करते हैं लोगों का फूड कैसा है, इंटीरियर कैसा है, और तुम लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे क्या क्या है। तो पिछले व्लॉग में ये दोनों मेरे साथ थे, अमीर हमजा और सऊद। तो दोबारा हम लोग अंदर जाके तुम लोगों को आज का रिव्यू देंगे। अंदर आ गए हुए हैं और भाई रात हो चुकी हुई है, शाम को आए थे, थोड़ा सा कर दो हेलो तो थोड़ा सा किसी वजह से थोड़ा सा लेट शुरू करना पड़ा हम लोगों को। तो ऑर्डर हम लोगों ने कर दिया, ऑर्डर आता है तो तुम लोगों को दिखाते हैं बेसिकली है क्या। और इन लोगों के बेसिकली जो पिज़्ज़ाज़ हैं उनका मैं कुछ बता देता हूँ, वो ब्रिक ओवन पिज़्ज़ाज़ हैं, वो भट्टी के अंदर नहीं बनते होते, उस टाइप के पिज़्ज़ाज़ हैं। उसकी मेकिंग तुम लोगों को चेक कराऊँगा, वो ज़रा थोड़ी सी स्पेशल। लेकिन आगे जाने से पहले मैं तुम लोगों को बताऊं, तुम लोग समझते होगे हर रेस्टोरेंट जिसको मैं कवर करता हूं वो अच्छा क्यों होता है। दिमाग में तो आता होगा कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। तो बेसिकली मैं ऑलरेडी रेस्टोरेंट विज़िट कर चुका होता हूं ये, ठीक है, उसके बाद मैं तुम लोगों के लिए बेस्ट रेस्टोरेंट लेके आता हूँ ताकि तुम लोगों को डिसअपॉइंट ना करूँ अपने ब्लॉग से, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि इतने अच्छे खास तो होते नहीं हैं। तो अगर मैं गंदी क्वालिटी के खाने दिखाऊंगा और टाइम ज़ाया करूंगा तो आई डोंट थिंक सो कि उसका फिर बनाने का कोई फ़ायदा है, मुझे ही ऐसा लगता है। तो और उसके अलावा दूसरी बात ये कि मैंने कहा था मैं छोटे ब्लॉग्स बनाऊँगा, वो तो यार छोटे करते 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 5-6 मिनट का निकल आता है, मज़ा आ रहा होता है जब एडिटिंग करते हुए, तो फिर पता नहीं लगता कि 5 मिनट का बन रहा है, 6 मिनट का बन रहा है, 4 मिनट का बन रहा है। तो जितना अच्छा निकलता है वो मैं अपलोड कर देता हूँ। हाँ बस ठीक है, इतना ही था, तो अब चलते हैं अंदर। तो यार हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था वो आ गया है, मिंट तंदूरी और बारबेक्यू चिकन। तो उसके साथ हम लोगों ने ओरियो शेक, मैंने ओरियो नोटेला और इन्होंने मिंट सब फ्रेश लाइम ऑर्डर किया था। तो पहले खा लें और पी लें, फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी फूट दी। तो यार हम लोगों ने खाना खा लिया और अब बारी है रिव्यू। पहले इन लोगों से पूछते हैं कि कैसा लगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था तो मुझे तो अच्छा लगा। आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आओ और आके ज़रूर ट्राई करो एक बार। और उसके अलावा इन लोगों से पूछते हैं इन लोगों को कैसा लगा। अच्छा ये ले, हाँ ये बताएगा कि अब कैसा है। यार पिज़्ज़ा तो बहुत मज़े का था, स्पेशली मैं रेट करूँगा मिंट तंदूरी को, क्योंकि मिंट तंदूरी बस कमाल था। आप लोग खाएंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि वो सर कैसा था। आओगे खाओगे तो छा जाओगे खा करके। पिज़्ज़ा मैं भी प्रेफर करूँगा मिंट,
तंदूरी मीट को, क्योंकि वो काफ़ी टेस्ट उसका अच्छा था और मतलब फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था मीट तंदूरी खाने का, तो मुझे बहुत पसंद आया, मैं भी रिकमेंड करूँगा उसे कि आप लोग खाएँ। और भी कुछ बोल दो। और इसके अलावा लाइन तुम पक्के ही हो गए, इतना लंबा पहले बोल दिया। ओ ये हमारे पास गोप्रो भी है, ये भी है, ओ ये भी है। तो यार आज का दिन होता है हम लोगों का यहीं पे ख़त्म, जिसके साथ साथ व्लॉग भी हम लोग ख़त्म करेंगे। ज़्यादा सर दर्द नहीं ना लेता इसलिए छोटे व्लॉग बनाता हूँ मैं, वो ज़रा उसमें थोड़ा होने लग जाता है। तो यार प्राइस की बात करनी थी, कुछ लोग मुझे कमेंट के अंदर कह रहे थे कि आतिफ भाई आप प्राइस क्यों नहीं मेंशन करते, प्राइस मेंशन कर दीजिए अगर, कि क्या है प्राइस। यार प्राइस मुझे मेंशन करना पर्सनली अच्छा नहीं लगता, तो मुझे थोड़ा सा ओवर लगता है शो ऑफ किस्म का, तो मुझे आदत नहीं है इसलिए नहीं करता। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स के अंदर कोशिश करेंगे इसको बेहतर करें, और अगर आप लोग चाहते हो कि रियली प्राइस मेंशन की जाए तो मुझे कमेंट के अंदर बताएं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में, कुछ एक्साइटिंग करते हैं फिर नेक्स्ट। और हमजा